अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम तारिक हुसैन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड आर फॉलोइंग: सरफेस टेंशन, कैपिलरी एक्शन, विस्कोसिटी, इनकम्प्रेसिबिलिटी, डिफ्यूजिबिलिटी, एवापोरेशन एंड कूलिंग इफेक्ट ऑफ एवापोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। हमने लिक्विड स्टेट को कल डिस्कस किया था, क्योंकि मैंने कहा था जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आगे आप दूसरी चीज़ें भी समझ में नहीं आएंगी। उसके बाद हमने सरफेस टेंशन के बारे में डिस्कस किया था, उसके अंदर कौन से दो फोर्सेज होते हैं, कोहेसिव फोर्स होता है और एडिशन फोर्स होता है, वो दोनों क्या होते हैं, वो मैंने समझाए थे वहाँ पर डिटेल में आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पर हमारी ये बात थी कि जो एडिशन फोर्स होता है वो फोर्स होता है जो मालिक्यूल्स का जो है सरफेस के साथ अटैच होने का फोर्स होता है, अटैच होने होता है, हो जाता है वाटर पार्टिकल, वो इस फोर्स की वजह से, एडिशन फोर्स की वजह से। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये पेड़ है, वाटर इसके साथ अटैच किया हुआ है, तो यहाँ पे वाटर जो अटैच हुआ हुआ है इसके साथ, पेड़ के साथ आप देख रहे हैं, तो वो एडिशन फोर्स की वजह से ही उसके साथ अटैचमेंट में है, उसके साथ चिपका हुआ है। तो एडिशन फोर्स की वजह से जब हम वाटर कंटेनर के अंदर डालते हैं तो वहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई देती है वाटर के अंदर, के जो कुछ वाटर है वो थोड़ा सा साइडों से ऊपर उठा होता है। ऊपर इसीलिए उठा होता है क्योंकि इसके पास एडिशन फोर्स होता है, वो एडिशन फोर्स इस सरफेस के साथ, इस कंटेनर के सरफेस के साथ क्या होता है, अटैच होता है हमारा, ठीक है। तो उसकी वजह से, और सरफेस टेंशन की वजह से जो उसका अपना मालिक्यूल्स का फोर्स होता है जिसको कोहेसन फोर्स कहते हैं, उसकी वजह से ये सरफेस बीच वाला आपको नीचे दिख रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ गई, और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम आगे चलते हैं। तो कोहेसन एडिशन फोर्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, तो उम्मीद है कि जो कैपिलरी एक्शन ये एक प्रोसेस होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ कि कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा जो है वो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, जब हम कोई भी ट्यूब है, ठीक है, ये ट्यूब है, ये राड है, ये बाहर वाली एक अलग राड है, ये अंदर वाली अलग राड है, ठीक है। ये राड यहाँ पे डाली हुई है, बाहर वाली को हम नहीं यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ठीक है। अंदर वाली ये छोटी सी राड है ना, इसको देखेंगे, ये एक ट्यूब है, ठीक है। ट्यूब है मतलब एक जैसे ट्यूब होती है जिसके अंदर हम, जहाँ से पानी नीचे से जा सकता है, तो ये ट्यूब इस लिक्विड के अंदर डाली हुई है, ठीक है। अब लिक्विड के अंदर डाली हुई है, अब देखेंगे तो इसमें लिक्विड की लेवल तो यहाँ तक है, ठीक है, और इस पाइप के अंदर जो लिक्विड आ रहा है वो यहाँ तक आ रहा है, उसके ऊपर चला जाता है, और इसका डायामीटर जो ट्यूब का होता है वो बहुत ही छोटा होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। ज़्यादा रखेंगे तो वाटर ऊपर नहीं जाएगा, छोटा रखना है हमें, डायामीटर छोटा रखेंगे तभी वाटर ऊपर जा सकता है, वाटर या कोई भी लिक्विड हो वो ऊपर जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये ट्यूब इस यहाँ पर डाली हुई है और यहाँ पर इसकी लेवल है लिक्विड की, ठीक है, इसकी लिक्विड का लिक्विड की लेवल है कंटेनर के अंदर वो यहाँ तक है, मगर जो हम ट्यूब डाल रहे हैं उसका यहाँ तक हो रहा है, ये दूसरी ट्यूब है इसका यहाँ तक है, और ये तीसरी ट्यूब है इसका यहाँ तक है। इसका क्या फ़र्क है, डायमीटर का फ़र्क है, इसका डायमीटर ज़्यादा है, इसका उससे और कम है, और इस ट्यूब का जो अंदर वाली ट्यूब है छोटी, इसका डायमीटर और कम है, ठीक है। तो मैंने बताया कि डायमीटर हम जितना कम करेंगे उतना वाटर जो है वो लिक्विड जो है वो ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये ऊपर जा क्यों रहा है, ये लोग आप सोच रहे होंगे, इसको इसी को ही तो हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। वाटर की लेवल तो यहाँ तक है, मगर यहाँ तक इस ट्यूब के अंदर यहाँ तक क्यों आ रहा है, तो इसी को हम कहते हैं कि ये जो हमारा कैपिलरी एक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है सिर्फ एडिशन फोर्स की वजह से, मैंने बताया एडिशन फोर्स वो होता है जो सरफेस के साथ होता है। अब ट्यूब में ये पानी अंदर चला गया, ठीक है, कोई भी लिक्विड है उसके अंदर चला गया ट्यूब के अंदर, अब यहाँ पे क्या होगा कि उस ट्यूब के सरफेस के साथ वो अटैच होना शुरू हो जाएगा और अटैच होकर ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस आ जाएगा यहाँ पे, कि जो बीच वाला हिस्सा है वो नीचे चला जाएगा और साइडों वाला जो सिस्टम है वो ऊपर चला जाएगा, साइड ऊपर चली जाएंगी, ठीक है। जैसे ये यहाँ से ऊपर चली गई, ये जो यहाँ से ऊपर चली गई, तो ये नीचे आ जाएगा, ये जैसे ऊपर चल जाएंगे फिर यहाँ पर ये क्या करेंगे, दोनों ओवरलैप करेंगी, ओवरलैप करेंगी तो जो लेवल थी वो वहाँ यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। इस कंटेनर ग्लास के अंदर नहीं आती क्योंकि इसका मैंने बताया था डायामीटर बहुत ही ज़्यादा है, इसमें डायामीटर छोटे की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये जैसे यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर देख रहे हैं डायमीटर छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर राइज होगा यहाँ पर भी और इसकी साइड पर अटैच होकर राइज होगा। अब यहाँ पे जो बीच होगा वो नीचे होगा,
ठीक है, बीच वाले हिस्सा जो होगा वो नीचे होगा। अब ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, एक दूसरे को मिल जाएंगे, एक दूसरे को मिल जाएंगे तो वाटर लेवल यहाँ तक आ जाएगा। ऐसे ही इस तरह होता है, यहाँ पे आस्ते आस्ते छोटी मैंने ट्यूब कर दी तो वाटर का जो दोनों लेयर्स होते हैं, दोनों जो साइडें होती हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगी। जैसे ही दोनों साइडें वाटर के करीब हो जाएंगी तो वो ओवरलैप करेंगी एक दूसरे को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये तीसरी ट्यूब है, इसकी डायमीटर और कम है, तो और कम होने की वजह से ये दोनों साइडें जो वाटर चढ़ रहा है एडिशन फोर्स की वजह से इस ट्यूब के ऊपर साइड ऊपर लेयर बना के ऊपर जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो छोटी डायमीटर छोटा होने की वजह से वो ओवरलैप जल्दी करेगा, ओवरलैप जल्दी करेगा तो इससे आपकी जो वाटर है ऊपर चल जाता जाएगा जितनी छोटी होगी साइज, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन की वजह से ये ऊपर जा रहा है, और ये जो फोर्स होता है वो कैपिलरी एक्शन, ये एडिशन और कोहेसिव दोनों फोर्स की वजह से, ठीक है। अब एडिशन क्या कर रहा है, एडिशन इस वाटर को, ऐसे जो कंटेनर की वाल है, इस गिलास की वाल है, इस ट्यूब की वाल है, इसको इसको इस पे चढ़ने में मदद करता है वाटर को एडिशन फोर्स, क्योंकि एडिशन फोर्स वो होता है जो उसको साथ अटैचमेंट करके चलता है कंटेनर के साथ दोनों साइडों पर। और कोहेसिव फोर्स जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा बीच होता है, बीच वाला हिस्सा होता है वो नीचे हो जाता है। नीचे क्यों हो जाता है, क्योंकि इस मालिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो वाटर के नीचे निचले वाले मालिक्यूल होंगे वो ऊपर वाले मालिक्यूलों को आपस में अटैक, उसके नीचे अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से बात है वो जो बीच वाला हिस्सा होगा वाटर वाला वो नीचे चला जाएगा, और ये साइडों वाला जो वाटर है वो साइड पे चढ़ता जाएगा, साइड पे चढ़ता जाएगा, जाहिर सी बात है ये दोनों ओवरलैप करेंगे, जितनी साइज छोटी होगी वो जल्दी ओवरलैप करेंगे, तो साइज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये यहाँ पे चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे।